मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये सारे पैकिंग है, क्यों की है? क्योंकि हम जा रहे हैं अहमदाबाद। और आप सोच रहे होंगे कि हम दो साइड जा रहे हैं, बोलूं? नहीं, ये सारे व्यूवर्स के लिए सरप्राइज है कि हम अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं और अहमदाबाद से हम कहाँ पे जाने वाले हैं। तो हम जहाँ पे जाने वाले हैं अहमदाबाद से, उसके लिए ये पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बहुत सारे लाइक करने होंगे इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत यूनिक वीडियो है ये और हमारे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस वीडियो है। और रुक को मुझे बोलने दो, पहले मुझे हाँ चलो बोलो। इसके दादाजी हैं और मेरे पापा जी आ रहे हैं, तो अब पूरा वीडियो एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा और ऐसे बहुत सारे वीडियो इस ट्रिप में एक्साइटिंग आने वाले हैं। चलिए अब निकलते हैं हम गाड़ी में फटाफट सामान रखने के लिए। तो आपको देखकर पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले थे। तो ये हमारी फ़र्स्ट फ्लाइट की एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट टाइम मैं एयरपोर्ट को अंदर से इतने अच्छे से देख रही हूँ, क्योंकि कभी मैंने एयरपोर्ट को इतने पास से नहीं देखा है, मुंबई में भी नहीं देखा था, मैं मुंबई की हूँ। तो यहाँ पे ये जा रही है हमारी बैग चेकिंग करने के लिए, एरोप्लेन की डिक्की में जाने के लिए रेडी है और हम लोग यहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह निकलवा रहे हैं हमारा। मुझे मेरे हस्बैंड एक एक प्रोसेस समझा रहे हैं यहाँ के, वो बहुत बार फ्लाइट में जा चुके हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। जानते हो क्यों? क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं एक ऐसी सिटी में जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊँगी, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो बस हम जा तो हम डोमेस्टिक रहे हैं, डोमेस्टिक प्लेस पे जा रहे हैं, इंटरनेशनल नहीं जा रहे। तो ये गई हमारी बैग। अरे रुको रुको रुको, हमारी बैग को चोट मत पहुँचाओ, आराम से भेजो, आराम से भेजो। हाँ तो बस ये बैग अभी अपने सही टिक तक हमारा बैग के जा रहे हैं बाहर, और मेरे हस्बैंड सारे रूल समझाते हुए बता रहे हैं हमें। ना मैं बार थोड़ा उतार रही हूँ। तो फाइनली हम एयरपोर्ट आ चुके हैं, हमने चेक इन कर लिया है, बोर्डिंग पास ले लिया है, अभी हम अंदर जाएंगे एंट्री में। ये है हमारा बोर्डिंग पास जिसको अब हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। हम बाहरूम कहीं चलो चलो खोल। बोर्डिंग पास अपने एंट्री ली थी अंदर, अभी हमारी चेकिंग होगी। फाइनली हमारी चेकिंग हो चुकी है, हम अंदर आ चुके हैं और अभी पता नहीं आगे कौन सी चेकिंग है, तो अभी हम वो करेंगे। आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी और क्या क्या होने वाला है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। उसने कोट पहन लिया है और हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई एम रियली एक्साइटेड और थोड़ा अंदर से डर भी, हाँ डर भी लग रहा है कि अभी पता नहीं हम लोग अंदर बैठेंगे तो क्या होगा। तो चलो हम देखते हैं। मैं आपको यहाँ का एम्बियंस दिखा देती हूँ। कैफ़े है हमारा, गेट नंबर 6 है, अब हम वहाँ जाएंगे। मत जो हाँ बेटा बधू, कैफे देख के क्यों के मुंह में आ गया है पानी, लेकिन उस पानी को कंट्रोल करेंगे और हम यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे। तो हम लोग जब छोटे थे तो हम हमारे मामा के घर पे जाते थे, तो मेरे मामा का हमेशा ऑफिस जो कंपनी है वो फॉरेन रहती थी, तो हम हमेशा उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट छोड़ने और लेने जाते थे। तब हम लोग सिर्फ प्लेन को देखा करते थे और प्लेन को देखकर ये सोचा करते थे हमें कब मिलेगा बैठने के लिए, वो हमारे लिए सपना रहता था। लेकिन आज ये सपना मेरा पूरा हो रहा है प्लेन में बैठने का। और जब मैं इसकी उम्र की थी तब हम सोचते थे, और आज ये मेरे उम्र की, जब मैं इसकी उम्र की थी तब हम सोचते थे, और आज जब मेरी बेटी उसी उम्र की जो मैं सोचती थी वो आज प्लेन में बैठ रही, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उसे बहुत जल्दी मौका मिला प्लेन में बैठने का। आप सोच रहे होंगे प्लेन में बैठने इतनी कौन सी बड़ी बात है, तो भाई बड़ी बात ही है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो हमेशा बैठते रहते हैं। मुझे उससे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं हमारे
ससुर जी को बिठा रही हूँ उसमें, हम लोग बिठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। इट इज़ द बेस्ट मोमेंट वी हैवर हैड। तो चलिए मैं आपको अंदर का भी थोड़ी देर में बताती हूँ। अब एयरपोर्ट आए हैं और यहाँ का वॉशरूम भी यूज़ ना करें तो ये तो एयरपोर्ट वालों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो वॉशरूम तो करना यूज़ करना बनता है बॉस, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट जाते हैं बिंदास बेशर्म होके वहाँ की सारी चीज़ों को देख लो, क्या पता कल होना हो। ये क्या एयरपोर्ट वालों ने सोप नहीं रखा है? अरे नहीं नहीं, उसका तो पूरा डेस्टिनेशन ही अलग है, वो दूसरी जगह पर था। और यहाँ पे हमने सुखा लिए केवरी के हाथ, जिसको लग रहा था डर अंदर हाथ डालने में, और इस तरह से एयरपोर्ट के वॉशरूम की परिक्रमा पूरी की। तो फाइनली टाइम आ गया है बोर्डिंग करने का। ना इंडिगो लगता है, देखिए। तो एयरपोर्ट पे ऐसी बसेस होती है जो आपको प्लेन तक पहुंचाती है, फुल एसी बस होती है, आपको प्लेन तक पहुंचाएगी, आपके आपके प्लेन तक उस पर आपको जाना है। यहाँ पे अगर सीट मिलती है तो बैठना है, वरना आपको खड़े रहना है। तो हम लोगों को सीट मिल गई तो हम यहाँ बैठ गए थे आराम से, बिल्कुल एसी के नीचे। तो बहुत ठंड लग रही थी और बस काफ़ी देर वेट कर रही थी दूसरे पैसेंजर्स के आने का, क्योंकि एक बार में जितने मैक्सिमम पैसेंजर लेके जा सकते तो ये बस उसको लेकर जाती है। तो जस्ट वी आर वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। तो हम बैठ चुके हैं बस में जहाँ से अभी हमारी बोर्डिंग होगी। आपको प्लेन दिखा देते हैं जिसमें हम बैठेंगे, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे प्लेन की। कहीं पे भी हमें प्लेन में जाना रहता तो हमें बस से ही जाना रहता, ये यहाँ का रूल होता है। हम रनवे पे वॉक नहीं कर सकते। आर यू यार यू टर्नर? हाँ, अगर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहते तो हम ऊपर से टनल से डायरेक्ट प्लेन में बैठते, लेकिन हम डोमेस्टिक जा रहे हैं इसलिए हम ऐसे बैठेंगे और बस हमें लेकर जाएगी हमारे एयरपोर्ट की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं प्लेन के अंदर, तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। क्यों रिया? हमारा स्वागत टीआरसी एयर होस्टेस ने हमारा किया। और यहाँ पे अब हम बिल्कुल जैसे हम बस में ट्रेन में सीट नंबर ढूंढते हैं ना, वैसे हम सीट नंबर ढूंढेंगे हमारी और हमारे सीट के वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसलिए हम इसका हर एक पल का मज़ा उठाएंगे। मैंने अनुपमा सीरियल में एक बार देखा था, जब आप फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करते हो जैसे अनुपमा फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठी थी, तो बिंदास होकर खुश हो जाओ। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे कि फर्स्ट टाइम बैठ रही है तो इतना पागल जैसे कर, अरे खुश हो जाओ बिंदास, क्योंकि 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 आपको नहीं पता कि ये पल फिर से आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं विंडो सीट से आपको प्लेन दिखा रही हूँ बाहर का। वाओ, विंडो सीट पे मैं नहीं बैठी हूँ, ठीक है, विंडो भी इतनी छोटी छोटी के बाजू में बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप दूर से भी विंडो में से झांक कर देख सकते हो। तो यहाँ पे क्यूरी बैठी है और ये हमारा थोड़ा छोटा प्लेन है क्योंकि पैसेंजर बहुत कम है जहाँ पे हम जा रहे वहाँ के लिए, तो इट्स ओके, हमें उससे कोई मतलब नहीं। प्लेन छोटा है हो बड़ा हो, उड़ने तो वो हवा में ही वाला है हज़ारों किलोमीटर ऊपर, वो कोई हमको नीचे चला के नहीं लेकर जाने वाला है। और ये हमारी एयर होस्टेस है जो हमें गाइडलाइंस दे रही है, जैसे हम पिक्चर्स में देखते थे ना, आगे के दो द्वार, पीछे के दो द्वार, एग्जिट में ये, एग्जिट में वो, तो कोई बात नहीं, उसको देने दो, हम उसकी बातें सुनेंगे। वैसे आंटी जी हमें पहले से ही पता है, सॉरी दीदी जी हमें पहले से ही पता है, क्योंकि ये एयर होस्टेस बहुत प्यारी लगी इसलिए हम इनको दीदी बुलाएंगे। रात है इसलिए आपको बाहर का व्यू का आइडिया अच्छे से नहीं आएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ। तो हम अंदर से देख सकते हैं कि बाहर भी बहुत सारे प्लेन्स खड़े हुए हैं अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए, और ये हमारी प्लेन शुरू हो गई है। थोड़ी देर तो प्लेन ऐसे ही चलती रही, हवा में नहीं चल रही थी, तो मुझे तो ऐसा लगा कहीं ये चलाते चलाते तो हमें हमारे डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचाएगी ना, फिर जान में जान है जब प्लेन उड़ी। पर
सच बताती हूँ, जब प्लेन उड़ रहा था पेट में से रोलर कोस्टर में बैठते कैसे गुड़गुड़ होता वैसे हो रहा था, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि प्लेन उड़ेगा तो हम पूरा झुक जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। प्लेन को बहुत सेफली उन्होंने टेक ऑफ करवाया था। तो इस तरह से पूरा व्यू है जब प्लेन चलता है, बहुत बढ़िया लग रहा था। नाइट्स का सीन भी एकदम ऑसम लग रहा था दोस्तों, सच्ची बता रही हूँ। प्लेन में अगर आप बैठना चाहते तो एक बार, क्योंकि ट्रेन का रेंट, ट्रेन का एक्सपेंस और प्लेन का अभी डिस्टेंस वाइज बहुत कम गैप बच गया है उसके एक्सपेंस में, तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इंटरनेशनल के लिए हमें बहुत से प्रोसीजर लगते हैं, डोमेस्टिक के लिए आपके पास सिर्फ आपका मेन आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट एंट्री के अंदर ही एयरपोर्ट में घुसते ही, एयरपोर्ट के फर्स्ट दरवाजे पे घुसते ही आपका आधार कार्ड चेक करेंगे, फिर ही आपको एंट्री देंगे बॉस। तो आधार कार्ड बिल्कुल मत भूलना आप अपना। टेक ऑफ होने वाला था इसलिए एनर्जी कंजम्पशन को बचाने के लिए सारे लाइट्स ऑफ कर दिए गए थे और फुल स्पीड से रनवे की तरफ एयरपोर्ट जा रहा था। जैसे हम बोलते स्टेशन, तो ये एयरपोर्ट का स्टेशन था, एक्चुअली रनवे पे नहीं था। तो अभी हम पहले रनवे पे जाएंगे, फिर जिप जैप जुम करके हम उड़ जाएंगे। प्लेन की स्पीड बढ़ चुकी है और जैसे ही स्पीड बढ़ती है पता भी नहीं चलता है, क्योंकि रात है और हम उड़ जाते हैं, पर हम रात की रोशनी देख सकते हैं फ्लाइट से, हम नाइट व्यू देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं ना वो हम देख सकते हैं। और आप वीडियो में भी उसे देखकर समझ जाएंगे कि प्लेन अब टेक ऑफ हो चुका है। और यकीन मानिए बहुत बढ़िया गुड़गुड़ हुई थी पेट के अंदर, बहुत डर लगा था भाई, बहुत डर लगा था भाई साहब, बहुत डर लगा था। ऐसा लग रहा है कि प्लेन का कंडक्टर सो गए और अब ऐसे ही हवा में रुके हुए हैं। ऐसा लग रहा है ना, सिव इंजन की आवाज़ आ रही है, बाकी ऐसा लग रहा है प्लेन हवा में है और कुछ पता नहीं चलता है कि प्लेन में हम बैठे कि नहीं बैठे, सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पता चलता है। और पीछे से कोई मुझे लात मार रहा है। हाँ, और पीछे से इसको कोई लात मार रहा है और तो फाइनली हमारा जो सपना था प्लेन में बैठने का वो पूरा पूरा। और अभी हम लोग जाएंगे कहाँ? मुंबई। मारू हाँ, कहाँ जाएंगे बोलो अपने सब्सक्राइबर्स? मुंबई। सच्ची बोलो? किधर मुझे मिलेगा? इंदौर। इंदौर जा रहे हम। इंदौर कहाँ जा रहे हैं? इंदा इंदौर। इंदौर इंदा। मैं ना इंदौर को इंदौर बुलाती हूँ, तो मुझे बोला इंदौर, बोला इंदा 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 जा रहे इंदा। तो हम लोगों ने तो प्लेन में कुछ नहीं लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए अब मैं आपको थोड़ी गड़बड़ लगेगी वॉइस ओवर में। तो हम लोगों ने लिया था जूस, एक्चुअली हमें चाहिए था सिर्फ जूस, लेकिन जूस तभी मिलेगा जब आप कॉम्प्लीमेंट्री था जूस, तो जूस आपको तभी मिलेगा जब आप कुछ परचेस करोगे। तो हमको ये काजू का बॉक्स ख़रीदा, आलमंड काजू कैश्यू सब था, तो वो हमको 200 रुपये का मिला, तो हमने वो 200 का वो लिया एंड उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री जूस मिला। तो जूस के लिए हमने 200 रुपये खर्च किया, तो मान लीजिए 100 रुपये का काजू और 100 रुपये का जूस हमको प्लेन में मिला। भाई प्लेन का खाना पीना जितना ही महंगा है उतना ही
अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा बताया था किसी ने। तो हम लोगों ने प्लेन में खाना पीना नहीं सोचा था, हमने सोचा था नीचे उतर के अच्छे से नाश्ता करेंगे। और अब प्लेन में आई और प्लेन का बाथरूम ना बताऊँ आपको, ऐसा हो सकता है? तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाए सब। बाथरूम था यहाँ पे, टिश्यू, सिगरेट एश्ट्रे था, पानी था, फिर साबुन की क्या बोलते हैं इंतज़ाम किया हुआ रहा था। पता नहीं यहाँ पे क्या लाल बत्ती, नीली पीली सब अलग अलग लगाई हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन ये पूरा इसका यहाँ पे छोटा सा बाथरूम जो शुरू होके ख़त्म हो गया था। बाहर से अगर आप अंदर हो तो ऑक्यूपाई लिखा हुआ आता है, और बाहर चले जाओ तो वेकेंट लिखा हुआ आता है। और ये छोटा सा बाथरूम मैंने आपको बता दिया। अभी हम बाथरूम के बीच में से जा रहे हैं, मतलब हम काफ़ी कम हाइट में पहुँच चुके हैं और अंधेरे से उजाला भी हो चुका है, क्योंकि आप अब बाहर की लाइट नेचुरल लाइट को देख सकते हैं गाइस। और आप अभी यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे का नाइट व्यू फिर से हमें देखने मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि हम लैंडिंग प्रोसेस की ओर बढ़ चुके हैं। और हमें बोल दिया गया कि अपनी सीट की पेटी अब बांध दीजिए, क्योंकि टर्बुलेंस हो सकता है बॉस। जैसे जैसे लैंडिंग पास आ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। ऐसा लग रहा है कि धड़म करके घिर ना जाए प्लेन, क्योंकि हवा से उड़ के व्हील के बैलेंस पे आना बहुत बड़ा टास्क होता है। और हम लोगों ने सिर्फ इसको पिक्चर वगैरह में देखकर ही महसूस किया है, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम प्लेन में जाएंगे। बाकी प्लेन के अंदर बैठने के बाद ऊपर कुछ पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि हवा में आप सिर्फ एक जगह पे खड़े हो। बादल है तो दिख जाएंगे, बादल के ऊपर हो तो वो भी नहीं दिखता है आपको, लाइटिंग नहीं है तो वो भी पता नहीं चलता है। बस इंजन करके जो भी आपको आवाज़ आ रही है वो आप सुनते रहते हो, उसके अलावा आपको कुछ पता नहीं चलता प्लेन में जाने के बाद। ये प्लेन टर्न ले रहा है ये सब भी आपको सिर्फ महसूस होगा, और तभी दिखेगा अगर ये लैंडिंग या टेक ऑफ हो रहा है। बाकी ऊपर तो आपको कुछ पता नहीं चलता कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आपको इतना बढ़िया नाइट व्यू दिखा रही हूँ, उसके लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, नए हो तो। बहुत आप लोग कंजूसी करते हो, मेरा पूरा वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। अरे सब्सक्राइब करो, ऐसे और वीडियोस मैं लाती रहूँगी। और मेरे शॉर्ट चैनल्स में भी ज़रूर जाना, जहाँ पे मैं मोटिवेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ। तो मैं अपने इसी चैनल पे मोटिवेटेड वीडियो और ट्रैवलिंग और अदर मेरे डेली इवेंट व्लॉग्स डालती रहती हूँ, क्योंकि मैंने एक ही चैनल बनाया ताकि आपको मेरी चैनल में कुछ भी नया एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग जाना ना पड़े। और फिर जैसे जैसे मैं बहुत बड़े अमीरों की तरह, बड़े यूट्यूब नए यूट्यूब क्रिएटर और व्लॉगर्स की तरह फेमस हो जाऊंगी, तब मैं अपने नए नए चैनल्स क्रिएट करूंगी। फ़िलहाल तो इतने पैसों में बस इतना ही मिलेगा आपको, मेरा मतलब है कि इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं एक चैनल के पीछे ताकि आपको बेस्ट दे सकूँ। बहुत सारे चैनल क्रिएट कर दूँगी तो मैं आपको सब जगह बेस्ट नहीं दे पाऊँगी। तो आप देख सकते हैं नाइट व्यू धीरे धीरे मुझे ब्राइटर दिखता जा रहा है, मतलब पास में आ रहा है लैंडिंग प्रोसेस। और ये प्लेन धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है भाई साहब। और आप प्लेन के आजू बाजू के विंग्स देख सकते हो, उस पर लाइटिंग हो रही है, वो मूवमेंट कर रही है। और आपको पता है प्लेन में पेट्रोल या डीजल जो भी इसमें डालते हैं हम एनर्जी फ्यूल, वो कहाँ रहता है? वो उसके पंखों में रहता है। जी हाँ, विंग्स के अंदर सारी टैंक होती है, एनर्जी फ्यूल की टैंक होती है। तो आपको जो मैं दिखा रही हूँ ना, जो हमने महसूस किया है वो आप देख भी सकते हो। तो बस ये हमारे रनवे की तरफ हमारी पहुंच चुकी है, लाइट की तरफ एंट्री ले चुके हैं, और अभी धड़म करके वो टर्बुलेंस आवाज़ आएगी और हम लैंड हो चुके हैं। तो प्लेन रुक गई है और अब हम हमारे सामान लेकर जा रहे हैं बाहर। बस छोटा सा था ये सफ़र, बहुत अच्छा था, क्योंकि प्लेन में जितना कम बैठे उतना ही बेटर है, क्योंकि ऊपर आप ज़्यादा बैठोगे ना आप लोगों को सच में कंटाला आएगा, क्योंकि आप मोबाइल नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते, बुक्स वगैरह पढ़नी है कि अगर बहुत लंबा सफ़र है तो प्लेन में तो वैसे भी कुछ पता नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं ये हम अंधेरे में से गए थे, उजाले में बाहर आए, और अब हमें वापस से बस लेने आएगी और हमें पहुँचाएगी एयरपोर्ट में, जहाँ से हम हमारा सामान जो प्लेन के पिछवाड़े में रखा था वो निकालेंगे और पहुंचेंगे सीधा हमारे इंदौर वाले होटल में।
फाइनली अब हम बाहर आ रहे हैं। कहाँ से बाहर आ रहे हैं? एयरपोर्ट से। और अभी हम टैक्सी में जाएंगे यार। और अब मैं सो जाऊंगी। होटल हमारी ऑलरेडी बुक्ड है, हम उसमें जाएंगे। और फिर बस यहीं पे हमारा फ्लाइट जर्नी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट इंडोर के ब्लॉग में, जहाँ पे हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, क्या घूमेंगे बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।